हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम विभाग, बीएससी बीटेक, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंस और जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई? स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई? सही उत्तर है थाईलैंड से। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सबसे पहले थाईलैंड से हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, झूम है, झूम क्या है? ऑप्शन है ए, भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति, बी, कृषि खेती का एक प्रकार, सी, एक लोक नृत्य, डी, एक नदी का नाम। सही उत्तर है कृषि खेती का एक प्रकार। झूम जो है ये कृषि खेती का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, लदांग संबंधित है किससे संबंधित है? सही उत्तर है स्थानांतरणशील कृषि से। लदांग स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। ऑप्शन दे रखे थे बागानी कृषि से, पशुचारण से, स्थानांतरणशील कृषि से, दुग्ध पशुपालन से। सही उत्तर है स्थानांतरणशील कृषि से। लदांग जो है ये स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चार है, लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? लदांग चलवासी कृषि, सही उत्तर है इसका मलेशिया देश से संबंधित है। लदांग चलवासी कृषि जो है ये मलेशिया जो देश है वहां से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर पांच है, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ए, कोनोको, बी, हुमा, सी, मिल्पा, डी, चेन्ना। सही उत्तर है चेन्ना। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानी जाती है। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि जो होती है वो श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर छह है, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए, तुंगिया, बी, तमराई, सी, टावी, डी, हुमा। सही उत्तर है तमराई। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को तमराई कृषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सात है, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए, रे, बी, टावी, सी, तमराई, डी, तुंगिया। सही उत्तर है रे। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ है, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? ए, तमराई, बी, तुग्या, सी, कैंगिन, डी, रे। सही उत्तर है तुग्या। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि तुग्या के नाम से जानी जाती है। म्यांमार में जो स्थानांतरणशील कृषि की जाती है उसको तुग्या के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नौ है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला है श्रीलंका चेन्ना, दूसरा जायरे मसोले, तीसरा इंडोनेशिया हुमा। तो यहां पे एक, दो और तीन सभी ये सही सुमेलित हैं। तो श्रीलंका में जो कृषि है उसको चेन्ना कहा जाता है। श्रीलंका से चेन्ना संबंधित है, जायरे से मसोले और इंडोनेशिया से हुमा। क्वेश्चन नंबर दस है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहां बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है टावी मालागासी, बी मसोले कांगो, सी चेन्ना म्यांमार, डी तमराई थाईलैंड। सही उत्तर है चेन्ना म्यांमार। सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे कि यहां पे बताया गया था चेन्ना जो है ये श्रीलंका से संबंधित है, म्यांमार से नहीं है। टावी जो है मालागासी से संबंधित है, मसोले कांगो से और तमराई थाईलैंड से। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। रे वियतनाम, बी रोका ब्राजील, सी कैंगिंग फिलीपीन, डी लदांग म्यांमार।
संयुक्त है लदांग म्यांमार, म्यांमार चेन्ना से संबंधित होता है, और रे जो है ये वियतनाम से संबंधित है, रोका ब्राजील से, कैंगिन फिलीपींस से। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ए रेशम कीट पालन से, बी अंगूर की खेती से, सी बागवानी कृषि से, डी जलस कृषि से। सही उत्तर है बागवानी कृषि से। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से है। क्वेश्चन नंबर 13 है महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है? सही उत्तर है बाजार कृषि। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को बाजार कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है, डेयरी फार्मिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए अधिक पूंजी कम श्रम, बी कम पूंजी अधिक श्रम, सी अधिक पूंजी अधिक श्रम, डी कम पूंजी कम श्रम। सही उत्तर है अधिक पूंजी अधिक श्रम। डेयरी फार्मिंग के लिए अधिक पूंजी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। मिलीजुली खेती से जो तात्पर्य होता है वो होता है पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। जब पशुपालन और कृषि साथ साथ करते हैं तो उसको मिलीजुली खेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ए है एक फसली उत्पादन, बी विभिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन, सी बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन, डी फलदार वृक्षों की कृषि। सही उत्तर है एक फसली उत्पादन। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता एक फसली उत्पादन होता है। बागानी कृषि की जो प्रमुख विशेषता होती है वो एक फसली उत्पादन से होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? सही उत्तर है दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व में बागानी कृषि का सबसे ज्यादा विकास दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र कैसा होना चाहिए? ए अधिक वर्षा वाला, बी कम वर्षा वाला, सी सिंचित, डी असिंचित। सही उत्तर है सिंचित। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? सही उत्तर है 200 सेंटीमीटर से अधिक। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की जो आवश्यकता होती है, ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर से कम, बी 50 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर से अधिक, डी। तो सही उत्तर है 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो जब बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती वेट फार्मिंग की जाती है तो उसके लिए वार्षिक वर्षा की जो आवश्यकता होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, सबसे ज्यादा सघन खेती कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में। सही उत्तर है जापान में। सर्वाधिक सघन खेती जो प्रचलित है वो जापान में है। क्वेश्चन नंबर 21 है बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, बागानी कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ए नारियल, बी चावल, सी कहवा, डी रबाड़। सही उत्तर है चावल। चावल जो है ये बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ए चावल की कृषि, बी गेहूं की कृषि, सी गन्ना की कृषि, डी मक्का की कृषि। सही उत्तर है गन्ना की कृषि। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत गन्ना की कृषि नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 23 है किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है? ए गहन कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी जीविका कृषि, डी रोपण अथवा बागानी कृषि। सही उत्तर है रोपण अथवा बागानी कृषि। रोपण अथवा बागानी कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है, विश्व में कौन सी प्रकार की कृषि सबसे अधिक प्रचलन में है? ए गहन कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी स्थानबद्ध कृषि, डी बागानी कृषि। सही उत्तर है स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि जो है ये विश्व में जो कृषि है ये जो सर्वाधिक प्रचलन में विश्व में कृषि है वो स्थानबद्ध कृषि है। क्वेश्चन नंबर 25 है स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है,
सही उत्तर है स्थानबद्ध कृषि। स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति स्थानबद्ध कृषि है। स्थानबद्ध कृषि जो होती है यह स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है ए बुशफेलो कृषि, बी काटना एवं जलाना, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम बुशफेलो कृषि और काटना एवं जलाना कृषि है। क्वेश्चन नंबर 27 है किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है। ए जीविका कृषि, बी गहन कृषि, सी विस्तृत कृषि, डी रोपण कृषि। सही उत्तर है गहन कृषि। गहन कृषि जो होती है उसमें फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है। सही उत्तर है विस्तृत कृषि। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि विस्तृत कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है कहलाता है। सही उत्तर है ट्रक फार्मिंग। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है वो कहलाता है ट्रक फार्मिंग कृषि। क्वेश्चन नंबर 30 है पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपा क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर है विस्तृत कृषि। पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपा क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र विस्तृत कृषि के जो प्रकार है उसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है, कौन सा ऐसा है जो ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ए रेशम उत्पादन कृषि, बी अंगूर उत्पादन कृषि, सी फल कृषि, डी विपणन बागवानी। सही उत्तर है विपणन बागवानी। विपणन बागवानी जो है ये ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ट्रक फार्मिंग कृषि का दूसरा नाम विपणन बागवानी है। क्वेश्चन नंबर 32 है गहन कृषि से संबंधित नहीं है, गहन कृषि से संबंधित क्या नहीं है। ए नीदरलैंड में सब्जी की कृषि, बी कैलिफोर्निया में फलों की कृषि, सी दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की कृषि, डी कनाडा में गेहूं की कृषि। सही उत्तर है कनाडा में गेहूं की कृषि। कनाडा में गेहूं की कृषि जो है ये गहन कृषि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है, ऐसा कौन सा तत्व है जो विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है। ए प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, बी प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, सी प्रति फार्म बड़ा भूभाग, डी प्रति फार्म अधिक आय। सही उत्तर है प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन। प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन जो है जो ये तत्व है ये विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहाँ जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में किस प्रकार की कृषि की जाती है। सही उत्तर है गहन जीविका कृषि। एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहाँ जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है वहाँ पे गहन जीविका कृषि जो प्रकार है उस प्रकार की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का जो उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है उस पर रेशम के कीड़ों का पाले जाने को सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मेरी कल्चर कहलाती है। जब व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की जो क्रिया होती है उसको मेरी कल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को पीसी कल्चर कहा जाता है। जब व्यापारिक स्तर पर मछली पालन की क्रिया की जाती है तो उसको पीसी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन 38 है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है। सही उत्तर है सिल्वी कल्चर।
वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया सिल्विकल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है फ्लोरिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? सही उत्तर है हॉर्टिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य कहलाता है? सही उत्तर है एपिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य एपिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन 42 है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है? सही उत्तर है ओलेरिकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि ओलेरिकल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सेरिकल्चर का संबंध है? सही उत्तर है रेशम कीट से। सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट से होता है। क्वेश्चन 44 है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? सही उत्तर है समुद्री जीवों का। मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन 45 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। एपिकल्चर जो है ये शहद उत्पादन से संबंधित है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से और विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से। एपिकल्चर जो है शहद उत्पादन से संबंधित है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 45 है, एपिकल्चर जो है ये शहद उत्पादन से संबंधित है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से और विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ए पहाड़ों के ढलानों पर, बी शुष्क क्षेत्रों पर, सी छतों पर, डी पहाड़ों की चोटी पर। सही उत्तर है पहाड़ों के ढलानों पर। सोपान कृषि जो है ये पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत, बी दक्षिण पूर्व भारत, सी दक्षिण पूर्व भारत, डी उत्तर भारत। सही उत्तर है उत्तर पूर्व भारत। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की कृषि से संबंधित है, सिल्विकल्चर वन संरक्षण व संवर्धन से, मेरिकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन से और हॉर्टिकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है? सही उत्तर है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। सघन खेती का जो संबंध होता है वो मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाने से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, झूम खेती को डैश भी कहते हैं? सही उत्तर है स्थानांतरित खेती। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। इस वीडियो में कृषि विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है और जो कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम विभाग, बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि टीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।